आजमगढ़ जिले के विकास खंड फूलपुर के अंतर्गत मानपुर गांव में मीडिया कर्मियों को देखते ही गरीबों की आंखें छलक आई। जी हां, आपको बता दें, अगर आपको बदहाली बेबसी की परिभाषा ना पता हो तो एक बार मानपुर गांव में गरीबों के घर होकर आई। जी हां, फूलपुर विकास खंड के मानपुर गांव में विकास के मॉडल को ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा उसे बदल दिया गया है। सवाल ये है कि अधिकारी भी निष्पक्षता का केवल डंका ही बजाते रहेंगे या फिर निष्पक्षता का कार्य करेंगे। आपको बता दें, गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। गांव में आवास के लिए पात्र लोगों का आरोप है कि आवास के लिए कई बार सेक्रेटरी और प्रधान से कहा गया, उसके बावजूद भी उन्हें आवास आवंटित नहीं हुआ। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मानपुर तो आपकी शिकायत थी कि हमको आवास नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आपने कभी शिकायत की? बहुत बार किए थे। किससे आपने किया? प्रधान से भी किए थे, सेक्रेटरी से भी किए थे, वहाँ पे जाके भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी मेरी, इसलिए कि मैं पैसे से मजबूर हूँ, इसलिए मेरी सुनवाई हर एक तरह से न घर में है और न कहीं भी जाती हूँ, कोई नहीं मेरी सुनवाई करती है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपका घर है पूरी तरह से इसकी छत खराब हो गई है एकदम। तो अभी आप रह कहाँ रहे हैं? मैं रह रही हूँ, बड़े भैया हैं दो लोग, उन लोग पैसे कमाते हैं दिल्ली में, थोड़ा अपना परिवार वर सब लोग देखते थे। अच्छा, वो लोग यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते, नहीं आते हैं लोग छुट्टी में, वहाँ पे बच्चे बच्चे पढ़ाते हैं, सब जब आते हैं तो वहाँ पे अपना सब ताला वाला खोल के जो करना है करके जाते हैं। जब ये मेरा गिर गया तो उन लोग से मैं फोन करके विनती मांगी कि मेरी मजबूरी है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तब उन लोग बोले चलो ठीक है, भरोसा मत करना, वहाँ पे जब तक रहो तब तक रहो, भरोसा मत करना उस घर का। तो अभी मतलब आपको जो सरकारी सुविधा है, शौचालय की सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं मिला है सर। कुछ नहीं मिला? नहीं। आवास भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो इसके लिए आपने कभी वीडियो से बात किया फूलपुर में? नहीं जी, झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं की। यहाँ पे सेक्रेटरी जब जब आते थे तब तब मैं दौड़ के पीछे पीछे जाती थी, कोई सुनवाई नहीं करते थे, बोलते थे कि दौड़ धूप जो करेगा, जिसके पास सोर्स पानी रहेगा उसी का काम होगा, जो मजबूर है उसका काम हम लोग थोड़ी नहीं करेंगे, अधिकारी करते हैं। देखिए, रिस्पांसिबिलिटी है ये सेक्रेटरी महोदय की कि वो पूरा निष्पक्ष होके जो है काम करें, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो क्या आपकी मांग है? आपकी मांग है कि मेरी मजदूरी में हमें चाहिए, और आप लोग अगर जहाँ तक चाहिए कि मेरा अगर कोई नहीं सुनने वाला है, अगर जो सरकार दे रहा है उसका नियम पालन गरीब नहीं करेंगे तो क्या जिसके पास रहे अंदर वो भी कर सकता है? जो मजदूर है खुरासा मानपुर में सूचना मिली है कुछ ऐसे घर हैं जिनके पास पक्के घर हैं, उनको भी दिया गया है जी, ऐसे लोग हैं? हाँ जी है। नाम बताएं अपना। आशा देवी। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि प्रधान देख रहे पक्का घर हो के घर देते हैं, जेब पावे की स्थिति में होके देतना है, बोलने पे कहा था कि ये तो पागल ओगल है नहीं। अच्छा, तो आपने एप्लीकेशन भी दिया था? हाँ। तो क्या हुआ उसपे? उस पर अभी कोई सुनवाई ना है, न कोई लेखा जोखा है। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी मांग है कि हमने के आवास मिल जाए, जो पात्र है उसे दिलाया जाए, जो नहीं पात्र है उसे छानबीन करवा के असूली करवा। तो सेक्रेटरी या ब्लॉक से आपने कभी संपर्क किया सेक्रेटरी महोदय से? हाँ। अगर प्रधान ने आपकी नहीं सुनी तो सेक्रेटरी से आपने पूछा कहा? वो कह रहे हैं कि जो हमें पैसा चाहिए, सारे लोग से 200 रुपया लेके अभी नवास ना रहने, एक व्यक्ति से 200 रुपया। हाँ, एक बुढ़िया बहुत गरीब है, उनको भी नहीं मिला है? उनको भी नहीं मिला, सूची में नाम रहते हुए नीचे से काट के ऊपर वाले को दे दिए। उनके 3 लड़की हैं, बेचारी का घर एकदम चल गया। अच्छा, अभी जो है आपने बताया था कि कुछ सिग्नेचर भी कराने के लिए अधिकारी आपके सेक्रेटरी जो है कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे साइन करो। क्यों साइन करवा रहे थे? साइन करो, तुम 10 रुपया पोस्टर ऑर्डर का पैसा ले लो हमसे। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे थे? नहीं दोगी कहाँ, चक्कर काटो तुम, हम लिखते रहेंगे ब्लॉक ही तो आएगा आपका कागज। अच्छा, ये सेक्रेटरी कहे हैं? हाँ। सेक्रेटरी कौन है? उनके नाम नहीं जा सकते, ऐसा है। मतलब क्या सेक्रेटरी, आप प्रधान के खिलाफ RTI मंगाए थे, उसी सिलसिले में आपसे सेक्रेटरी ने यह बात कही? हाँ। तो आप इसकी शिकायत आपने वीडियो से नहीं की? नहीं, वीडियो से नहीं किए हैं साहब,
एडीओ साहब मतलब आए थे गांव में देखने के लिए, वो डांट लगा कर ही गए। अच्छा, एडीओ साहब आए थे? हाँ, एडीओ साहब डांट लगा गए हैं। डांट लगा कर गए, प्रधान ये गलत कह रहे हो तुम। नाम बताइए अपना। गुलाइची। क्या नाम है? गुलाइची। गुलाइची, घर कहाँ आपका है? मानपुर है। तो अभी जो है आप, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत जर्जर घर आपका है, तो आपको आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो इसके लिए जो सेक्रेटरी द्वारा समीक्षा की गई, उसमें आपके घर सेक्रेटरी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। आया ला नहीं, एकदम खड़ा होकर देख के गई ना मुझे। तो क्या बोले वो? कुछ ना बोले। कुछ नहीं बोले ना। तो इसके बाद आपने शिकायत की ब्लॉक पे या सेक्रेटरी महोदय से कि हमको आवास नहीं मिला है, मिलना चाहिए हमको, कभी आपने कहा? एक दाई गैर लहनी हल्ला भैल की तोहरे 40,000 रुपया ले जाके निकाल लवा, अधिकारी के अपन ईटा उठा दिलाओ। तब बैंक में गई, बैंक में जब ना आ रहा पैसा तब आई वहाँ ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे जैसे सेक्रेटरी लगे जाए खड़ा भी तेल पर खाना पहुँच गई ना। कहने कहाँ आई लो, हम कहने भैया सबके आवास मिला था, हमें ना मिली। कहने अरे जब आई तब नहीं मिली, सेक्रेटरी ऐसे खड़ा रहना ऐसे कहा था। अरे माता यहाँ तो बात कहने की, अरे जब आई तब दे। तो कहने का मतलब प्रधान पूरी तरह से इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं प्रधान? हाँ। जी चाचा जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि आज मीडिया के सामने आपको आना पड़ा? अब कौन आवश्यकता बताए, कोई हमारी हो रही है। तो आपने कभी वीडियो से, वीडियो साहब से फूलपुर कभी शिकायत नहीं किया कि हम हमारे पास आवाज नहीं? आप नहीं गए? हाँ, से कही ला सेक्रेटरी हमने कही लाला कही ला कि लोग कहीं पेंशन नहीं होना कहीं है। अच्छा, आप विकलांग भी हैं? मैं देख रहा हूँ विकलांग आप हैं। इसके अच्छा बिना लाठी का आप नहीं चल पाते नहीं। तो जब सेक्रेटरी आए थे तो आपने कहा तो क्या बोले वो? कहे मिलेगा आपको? अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन जब मिले तब ना खाली आश्वासन आश्वासन देकर चले गए। जी आई वह देख के मतलब बहुत जने ने देख के इसे चल जाए। टीवी इंडिया न्यूज के लिए अब हरहरा की रिपोर्ट, आसमगढ़। आजमगढ़ जिले के अंतर्गत अंबारी में पूर्व सांसद व सपा नेता रमाकांत यादव ने उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू का जन्मदिन अपने आवास पर मनाया। इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र से हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सांसद रमाकांत यादव पत्रकारों से उनके द्वारा बातचीत की गई। सांसद द्वारा कहा गया कि आज का दिन महिला सशक्तिकरण का दिन है, सभी महिलाओं को हमारा ये संदेश है कि सभी महिलाएं धर्म के लिए पागल ना हो, किसी भी आडंबर में ना आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं और परिवार को शिक्षित करें। आपको बताते चले, इससे पहले हाथ से रक्षा कटवाने को लेकर रमाकांत यादव सुर्खियों में रहे। सांसद के पूरे वक्तव्य में शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य की प्रमुख भूमिका रही। सांसद जी, आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है किस उपलक्ष्य में हो रहा है? देखिए, आज जो है सरोजिनी नायडू जी की, जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही है, उनका हम लोगों ने जयंती समारोह किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं को बुलाया था बताने के लिए कि आप लोग उठो, संघर्ष करो, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो, बच्चों को शिक्षित करो और धर्म के नाम पे गुमराह न होकर के अपने कर्म पर विश्वास करो। इसीलिए हम सब लोगों ने आज यहाँ पर 2,500-4,000 महिलाओं को बुला करके समझाया है, और 4,000 महिलाएं अगर 5-5 को समझाएंगी तो 20,000 हो जाएंगी। एक रेशियो आपका? एक रेशियो हमारा है। इस तरीके से हम जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का ये आदेश था कि पूरे हर विधानसभा में तहसील वाइज तहसील स्तर पर एक महिला सशक्तिकरण जयंती साहब की जयंती समारोह करके और महिलाओं को बताने का काम करें, जगाने का काम करें, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। कर्म के नाम पर जो लोग गुमराह करते हैं, कर्म गुमराह ना होकर के धर्म के नाम पर, बल्कि कर्म में विश्वास करें, कर्म के। सर, ये धर्म के नाम पर आप बात कर रहे हैं, तो धर्म के आड़ पर क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो महिलाएं उससे पीछे जा रही हैं, इस पर आपकी जागरूकता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने वही समझाया है कि आप लोग
जो धर्म के नाम पे गुमराह हो जाते हैं और बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते हैं, जिसका वजह से हम सब लोग पीछे हैं। हमारे गांव में रहने वाले गरीब लोग, उनके बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करो। धर्म मानो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए पागल मत हो कि धर्म के नाम पर कि हमारा बेटा पूजा करने पे आगे हो जाएगा, देवता को मानने में आगे हो जाएगा। हमने समझाया कि शिक्षा लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पूजा करने से नहीं आगे बढ़ेंगे। सांसद जी, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ऐसी बयानबाजी, ऐसे कार्यक्रमों में जो कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को धर्म विरोधी बोलते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने समाज को जगाने के लिए कोई धर्म विरोधी बोले, चाहे धर्म के बारे में कुछ बोले, जो भी बोलना बोले, लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है कि अपने पिछड़े दलित माइनॉरिटी समाज के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे शिक्षित हो तभी अपने हक, अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, तभी हमारे बच्चे अच्छे पदों पर जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, DM बनेंगे, SP बनेंगे, तमाम पदों पर शिक्षा लेने के बाद जाएंगे। कोरोना काल में स्कूल बंद है, DM SP बनने की बात आप अपने जागरूकता के माध्यम से बता रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? यही तो दुख है कि कोरोना काल में विद्यालय बंद हुआ, जो बड़े परिवार के लोग हैं वो तो मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो मजदूरी करने वाला 300 रुपया पर दिन मजदूरी करता है, महीने में 10-5 दिन मजदूरी मिलती है, तो अपनी रोजी रोटी चलाए रोटी चलाएगा या बच्चों को मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल भेज देगा। एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, इनको शिक्षा से वंचित करो, शिक्षा से दूर करो, तभी जा कर के हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। सर, एक संदेश अपना दे हमारे चैनल के माध्यम से, आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश यही है, टोटल पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षित बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े अफसर बने, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें, तभी हमारा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हम लोग भी खुशहाल होंगे। TVR इंडिया न्यूज के लिए अबू हौरहरा की रिपोर्ट, आसमगढ़। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के सिकरौरा सहभरी गांव निवासी काल्पनिक चंद्रकला देवी पत्नी रामचंद्र यादव ने सरायमीर थाने में लगभग 7 बजे तहरीर दी कि 11 फरवरी समय करीब 12 बजे दिन में उनकी बड़ी लड़की अंशिका यादव उम्र 15 वर्ष व छोटी लड़की राखी यादव उम्र 10 वर्ष दोनों साथ में घर से कुछ देर अपने खेत पर, जहां उनके ससुर कांता यादव खेत में पानी भर रहे थे, उनके पास गई, जहां से वापस घर पाइप लेने आई। उनकी बड़ी लड़की अंशिका यादव गांव की ही जीतू उर्फ जितेंद्र यादव पुत्र मुन्नू यादव के साथ मोटरसाइकिल से आ रही थी, परंतु बीच से ही जितेंद्र यादव उनकी लड़की को बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया। पीड़ित महिला के द्वारा तहरीर पर पुलिस ने धारा 363-366 के तहत मुकदमा दर्ज कर जितेंद्र यादव को थाने में लाकर पूछताछ की। वही पुलिस ने जितेंद्र यादव की निशानदेही पर ग्रामीणों की मदद से सब को कुएं से बाहर निकाला, थाने लाकर उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। वही किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। हमारी भतीजी थी, वो सुबह में 10-11 बजे हमारे चाचा का सगा लड़का था, जबरदस्ती साला लेके चला गया। आपके चाचा का सगा लड़का था? अभी नाबालिग 14-13 साल की लड़की था। कहाँ लेके गया था? जा रहा था खेत वेत में, कहीं लेके गया होगा, उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में सफलता नहीं मिल पाई साला, उसके लिए क्या खबर दे। क्या बता सकते हैं बलात्कार हुआ है कि नहीं? बता रहा है बलात्कार के लिए जबरदस्ती, वो बता रहा है लड़का, बता रहा है नियत में उसकी क्या खोटता था समझ नहीं आता। बलात्कार चक्कर में 2-3 लड़कों के लेके पहले से उसकी शादी थी, सफलता नहीं मिल पाई होगी तो उसको मार दिया। उसका क्या नाम है? जितेंद्र यादव उर्फ जीतू यादव। आप लोग किसी ने देखे थे गाड़ी से ले जाते हुए? हाँ, वहाँ भट्टे वाले 2-3 लोग देखे थे, वहाँ जो भट्टा चलता है, भट्टे वाले बता रहे थे कि आया था एक लड़की डिबा के गया, फिर दोबारा आया, फिर डिबा गया छोड़ के। गाड़ी कहाँ मिली है? बाड़ी तो मिली है मौके हालात में, कुएं में फेंकी हुई। कब मिली है? मिली है बाड़ी आज सुबह लगभग 4 घंटा पहले, मान लीजिए 12 बजे। तो कहने का मतलब कि आप लोग ढूंढ रहे हैं या पुलिस? नहीं,
संघ के हिसाब से वो जब बताया हम सुबह यहाँ आए हैं एस साहब यहाँ, तो वो बताया कि हम मार के वहाँ पे फेंक दिए कुएं में। तब एस साहब वहाँ टीम भेजे अपना, उसके बाद वहाँ छानबीन हुआ, उससे नहीं पता लगा, तब वो तैराक वाले आए निकाले वहाँ। ये एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला प्रकरण है, जिसमें लड़की का मौसेरा चाचा, क्योंकि रिश्ते का लगता था उसी गांव का था, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। कल लड़की गायब हुई थी, उसके संबंध में मुकदमा लिखा गया था। जो संशय था जिस व्यक्ति पे, जो इसका चाचा लगता है, उसे उच्चतम न्यायालय लाया गया था, उसकी निशानदेही पर आज लाश बरामद की गई है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और जो भी मुकदमा इसे तर्मीम किया गया है 302 में, और जो भी आगे विस्तृत कार्रवाई है इसमें की जाएगी। टीवीआर इंडिया न्यूज के लिए अबू हरहरा की रिपोर्ट, फूलपुर आजमगढ़।